हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका एमसी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों जेकेएसएसबी की नई नोटिफिकेशंस पाने के लिए, नए अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों आइए आज हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आप जानते हैं कि आज डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन का दिन था क्लास फोर के लिए, क्लास फोर्थ कैंडिडेट्स के लिए। कई सारे कैंडिडेट्स फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ये डाल रहे हैं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ, कुछ नहीं डाल रहे हैं, जिससे ये सब अनुमान लगा रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक्सेप्ट किया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिसका ग्रेजुएट है, जो ग्रेजुएट है वो भी जाए। तो दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि जेकेएसएसबी वालों ने कोई बिना सोचे समझे ये नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, जिसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा हुआ है कि कितना आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, और अगर उतनी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती है या उससे ऊपर होती है तो जेकेएसएसबी वाले क्या करेंगे। ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में कहा हुआ है। आप इधर उधर की बातें मत सुनिए। मैं कई सारी जगह से कमेंट्स पढ़ रहा था, वीडियोज़ देख रहा था कि ग्रेजुएट वाले भी चले जाइए, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। ये एसएसबी वालों ने सबके लिए नहीं निकाला है, सिर्फ ये मैट्रिक और ट्वेल्थ वालों तक के लिए ही निकाला है। अब आप सोचेंगे कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं फिर भी जाऊँगा, एसएसबी वाले को पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, इससे बड़ी रिक्रूटमेंट आज से पहले कभी नहीं हुई। इसमें ना ही धोखाधड़ी का कोई चांस है, ना ही आप ये कर सकते हैं कि मतलब आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते इसमें। इसमें क्लियरली नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप इधर उधर की बातें ना सुने और आपका कोई कन्फ्यूजन आपके मन में ना रहे। तो आइए चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे नोटिफिकेशन। आपको पता है डॉक्यूमेंट्स रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो नोटिफिकेशन आई थी, उसमें मैंने एक जो पॉइंट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कि कौन कौन से सर्टिफिकेट्स लेकर आपको जाने हैं, वो सारे निकाल के मैंने रखा है। तो चलिए दोस्तों ये हम बात करेंगे। देखिए ये सबसे पहले आप देखिए इसमें क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट देखिए कि सेट कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमिटी विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एज वेल एज सेल्फ अटेस्टेड फोटोस्टेट। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ले जाना है, फिर उसके बाद 10th डिप्लोमा मार्क्स कार्ड ले जाना है, रिजर्वेशन कैटेगरी अगर आपके पास है तो वो ले जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट वो ले जाना है, ठीक है, 10+2 मार्कशीट या डिप्लोमा में से कोई एक चीज़ ले जाना है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट पीपीओ नंबर के साथ जो एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट है जो कि कंपिटेंट अथॉरिटी ने इशू किया है वो ले जाना है, इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं एज पर द एडवर्टीजमेंट वो ले जाना है। इसके साथ ही सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का जो फॉर्मेट है उसके मुताबिक ले जाना है, और अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट फेल होते हैं तो एडिशनल वेटेज पॉइंट्स आपके काट दिए जाएंगे। अगर आप इक्विवेलेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्लेम कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी आप एसएसपी के सामने पेश करें, कमेटी के सामने बनाएं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों देखिए आप अंडरटेकिंग देना है एफिडेविट का। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि इस बार यहाँ से लेकर यहाँ तक देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे कहीं भी आपके ग्रेजुएशन लेवल का सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। ठीक है, नो ग्रेजुएशन। अब आप बोलेंगे कि नहीं मांगा तो उसका मतलब ये थोड़ा अकेले जा नहीं सकते, तो दोस्तों नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए इस पॉइंट पर अगर हम जाएँ, ठीक है, इस पॉइंट पर अगर हम जाएँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अंडरटेकिंग इन द शेप ऑफ एन एफिडेविट ड्यूली सॉन बिफोर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट टू द इफेक्ट दैट ही शी इज़ पोजेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक एंड मैक्सिमम ऑफ 10+2। ठीक है, मिनिमम कितना मैट्रिक का और मैक्सिमम कितना 10+2, एंड ही इज़ यहाँ पे देखिए ही और शी इज़ नॉट पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन देन दैट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक की होनी चाहिए और मैक्सिमम 10+2 की होनी चाहिए, और उसके पास जो है हायर क्वालिफिकेशन से ज़्यादा उसके पास यहाँ पे देख लीजिए, एंड ही और शी इज़ नॉट प्रोसेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन देन दैट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑन बिफोर द लास्ट डेट। ठीक है, और मतलब कि 22/8/2020 यहाँ पे देखिए डेट 22/8/2020 से पहले पहले आपके पास हायर क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ग्रेजुएशन तक नहीं जाना चाहिए आपको। क्लियरली यहाँ पे लिखा, आपको कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर से बताता हूँ मैं आपको, देखिए ही ओब्लिक शी इज पोजेसिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिक, ठीक है, एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 10+2, यहाँ तक समझ आ गया आपको। उसके आगे लिखा है एंड ही और शी इज़ नॉट पोजेसिंग द हायर क्वालिफिकेशन देन दैट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑन बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 10th 12th तक है, तो प्रिस्क्राइब तो आपको समझ आ गया कि 10th और 12th, ठीक
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि अगर 10th और 12th से ज़्यादा हुआ, कौन सी डेट के बाद, कौन सी डेट से पहले, 20/8/2020, 20/8/2020 से पहले पहले, यहाँ पे देख लीजिए ये लिखा है, ठीक है। 20/8/2020 से पहले पहले अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, प्रिस्क्राइब कौन सी है, 10th और 12th, उसके अलावा अगर आपके पास हायर क्वालिफ़िकेशन है मतलब कि ग्रेजुएशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो फिर आपके पास वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि यहाँ भी इतना क्लियर नहीं लिखा है, ठीक है, ये हमें समझ आ गई। अब सेकंड पॉइंट पर अगर हम जाएँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एट एनी स्टेज ऑफ द सेलेक्शन और लेटर ऑन इट हैज़ बीन फाउंड दैट ही और शी इज़ पोजेसिंग हायर क्वालिफिकेशन दैन वॉट इज़ प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, कैंडिडेट शैल बी कैंसिल्ड, ठीक है। अगर वहाँ पर पता चल गया, आप एफिडेविट देते हैं, एफिडेविट में लिखते हैं नहीं जी मैं तो हायर क्वालिफिकेशन नहीं पोजेस कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर पता चल गया बाद में कि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है तो एब इनिशियो हो जाएगा, आपके आपकी जो वैकेंसी है वो कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो अपनी बेइज्जती कराने से अच्छा दोस्तों, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो मत जाइए, आप कोई ऐसा रिस्क मत लीजिए, कोई चांस मत लीजिए, इससे बेटर है कहीं और ट्राई कीजिए। ग्रेजुएशन लेवल पे बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा यहाँ पे दिया हुआ है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके जाना, उम्मीद है आप लेकर भी गए होंगे, ये भी किया होगा और ये भी आपने कंप्लाई किया होगा। तो दोस्तों ये था, आप इधर उधर की बात मत सुनिए, कई सारी इसमें वीडियोस में कहा जा रहा है ग्रेजुएट भी सेलेक्ट हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एसएसबी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया हुआ है, प्रोटेस्ट हुए लेकिन कोई रिस्पांस नहीं था, और उसके बाद ये नोटिफिकेशन निकाली गई है, जिसका मतलब ये है कि एसएसबी अपने रास्ते से नहीं हट रही है और वो यही करेगी मेरे हिसाब से। अगर फिर भी अगर 12th के ऊपर ग्रेजुएट लेवल को भी सेलेक्ट करती है तो फिर ये बहुत ही निंदनीय होगा, क्यों, ये तो अच्छी बात है कि सेलेक्ट किया, लेकिन निंदनीय इसलिए होगा क्योंकि एक नोटिफिकेशन में वो ये चीज़ सामने क्लियर कर रही है और दूसरे तरफ वो इस तरीके का काम कर रही है कि वो 12th के भी से ऊपर के भी लोगों को ले रही है, तो मेरे लिए जो है ये निंदनीय होगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए इन्फॉर्मेशन, आप उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, वीडियोस को शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि JKSSB की सारी नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद।